चल दया, हाँ? मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। अरे इतने बारिश में सोडा पीने जा रहे? अरे बारिश में सोडा पीने के लिए सोसाइटी में स्पेशल दूसरा सोडा शॉप खुला है। दूसरा स्पेशल सोडा शॉप? तुझे पता नहीं है? नहीं। ले। कमाल है, सोसाइटी में दूसरा सोडा शॉप खुला है पर मुझे पता ही नहीं है। कब खुला, कहाँ खुला? मैं तो सबके घर पे। तो टप्पू के पापा ऐसा कहिए ना कि ये बारिश की वजह से आप सब लोग मेहता साहब के घर सोडा पीने के लिए मिल रहे हैं। पर कहना पड़ेगा, चाहे बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, आप सब लोगों का सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता है। अरे भाई, जैसे तुम लेडीज लोगों का मिलने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता, वैसे ही हम जेंट्स लोगों का ये सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता। अरे हाँ, टप्पू के पापा, प्रोग्राम से याद आया, अगले हफ्ते हमारा महिला मंडल सफाई अभियान का प्रचार करने के लिए जाने वाला है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रचार कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है रविवार को क्लब हाउस में। अच्छा, तो बात ये है कि रविवार को टप्पू तो क्रिकेट खेलने के लिए जाने वाला है और बापू जी उनके दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में जाने वाले है, तो घर में खाने में आप अकेले ही है। मैं खाना बना के जाऊंगी पर आप खाना खा लेंगे? अरे भाई, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं खा लूंगा, तो आराम से मीटिंग में जाना, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। अच्छा मेहता साहब, ये मुंबई की बारिश को देखकर ऐसा लगा था कि सोडा शॉप को हमेशा के लिए आपके घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। अरे सही बात है। ओ भाई, तू क्या कहना क्या चाह रहा है? मतलब मेहता साहब अपनी नौकरी छोड़ के, लिखने का धंधा वंदा सब छोड़ के, यहाँ अब्दुल की तरह सोडा शॉप खोल ले? अरे उनको डबल मुनाफा हो जाएगा ना। डबल मुनाफा कैसे का है? देखो, एक तो घर से सोडा की बिक्री होगी तो उसका मुनाफा होगा, फिर सोडा पीने के लिए अलग अलग किस्म के लोग आएंगे तो उनको अलग अलग टॉपिक मिलेगा लिखने के लिए। एक मिनट, आप दोनों महानुभाव से मेरा एक निवेदन है कि आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? नहीं, आप शांति से चुपचाप बैठे रहिए, जो भी तय होगा आपको बता दिया जाएगा। सही बात है। ए भिड़े बाबू, तुम ही जो मनता थे बराबर है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या क्या है? अभी बारिश क्या है, वो तो साल के 3-4 महीना ही रहती है, तो बाकी के 8-9 महीना यहाँ हमारे अलावा और का सोडा पीना आएगा ही नहीं। ओ यारो, एक गल हो रहा है, अगर मेहता साहब सोडे की दुकान खोलेंगे तो अपने अब्दुल का क्यों होगा भाई? करेक्ट। हाँ, तो एक प्रश्न तर उभा जाए। अरे सोडी भाई, अगर मेहता साहब दुकान खोलते हैं तो मैं अपनी दुकान बंद करके मेहता साहब की दुकान का मैनेजर बन जाऊंगा। अरे नहीं अब्दुल मियां, मैं कोई दुकान नहीं खोलने वाला हूँ भाई, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। सही बात है। इसी बात पर हो जाए अब्दुल के दुकान का स्पेशल सोडा। अब्दुल तुम जल्दी से सोडा बनाओ, सोडा पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, अभी खोल रहा हूँ। लाइए मुझे सोडा दीजिए, मैं सबके लिए सर्व करके लाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि, तुम सोडा रहने दो प्लीज। हाँ क्यों तारक? अरे भाई, तुम अगर सोडा को भी डायट सोडा बना दोगी तो ये लोग लौट के नहीं आएंगे कभी। तारक, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अभी आए। मेहता साहब ऐसे संभल कर, अंजलि भाभी से ऐसे मजाक करोगे तो कभी लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भली बात जानता हूँ भिड़े, पूरा सावधान हूँ इस मामले में। हाँ, इस बात पे जरा एक तुकबंदी पेश करता हूँ कि हाँ सुनाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, बड़े बड़े रुस्तम को भी घर में सीधा कर देती है लुगाई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है मेहता साहब, बहुत अच्छे। अरे 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 अरे, क्या वाहवाही चल रही है तारक, कोई नई कविता सुनाई सबको, मुझे भी सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भाई, बस सोडा के इंतजार में जरा टाइम पास चल रहा था। लीजिए आगे ग्लास। आ जा, बना भैया अब्दुल भैया, आ जा, बस अभी 2 मिनट बन जाएगा सोडा। इंतजार की घड़िया समाप्त हुई। आप लोग सोडा पीजिए, इंजॉय कीजिए,
दुकान पर कोई नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। चलो ओके बाय बाय। रामनाथ मुंडिया। हाँ मेहता साहब, ये आपके घर पर सोडा पीने का जो आइडिया आपको सूझा ना, जबरदस्त मजा आ गया। हाँ अगर कल भी बारिश हो रही होगी तो सोडा पीने के लिए यही मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं यार, कल मेरे घर पे संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई मिलने आ रहा है आती भाई। कौन 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 आ रहा है मेहता साहब? कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आ रहा है पोपटलाल, जिसके घर में कोई विवाह योग्य कन्या नहीं है। अरे मेरे कवि मित्र हैं मिस्टर शर्मा, और उनकी पत्नी भी कवित्री है। इंदौर से हैं दोनों, तो कल दोनों मेरे घर पे आ। ओ, फिर तो कल यहाँ कविता की नदियाँ बहेगी हैं। वाह। हाँ अगर दोस्त लोग बैठेंगे और अगर वो कवि हैं तो जाहिर है कविता तो सुनाई जाएगी। तो मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, हम कभी बुलाओ। कहाँ? यहाँ कविता की महफिल में। अरे हाँ? क्या हम भी बहती नदी में थोड़ा हाथ धो लेंगे? आ, आ, आ। पहले तो उस कहावत को ठीक करो जेठालाल, बहती नदी में हाथ धोने नहीं, बहती गंगा में डुबकी लगा। हाँ ठीक है, तो बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेंगे। मतलब आप सब लोग भी कविता सुनाएंगे? यस 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले सुनाएंगे, फिर सुनते सुनते अगर कुछ अच्छा सूझ गया तो सुनाएंगे भी, क्यों दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे कल बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है जिसमें मैं तो बह के निकल जाऊंगा। अच्छा मतलब हम लोग कल ना आए? मतलब ठीक है ठीक है, समझ गया मेहता साहब। दोस्तों मेहता साहब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग आम लोग हैं ना, तो हमें वो कविता की समझ है नहीं, इसलिए हम आके क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल मेहता साहब। टप टप टापा टाकी द साले साले माजा घोड़ा, पाठी वर्ती जी नमकमली पाई रुपेरी तोड़ा। दूसरी कक्षा की ये कविता है मेहता साहब, अभी तक मुझबानी याद है। देखो और इसका अर्थ भी मैं जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आवरे वर्षात ढेबरियो प्रसाद उनी उनी रोटली ना करेला नु साग। डाली पे डाली, डाली पे डाली, मैंने जिस डाली पर नजर डाली वही डाली माली ने काट डाली। हमरे बाबूजी कहे बिटवा अब तोहरी भी सगाई होनी चाहिए। हमने कहा एक शर्त है बाबूजी, लड़की का बाप हलवाई होना चाहिए। कौन है जो ऊपर वाले से करता फरियाद नहीं है? अरे यारो आज मैनू कोई कविता नहीं है यार। अरे मुझ में भी है कविता सुनाने का दम। आप सब लोगों को मेरा वणक्कम वणक्कम वणक्कम। बाबा क्या बात है, आप लोगों ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। तो थैंक यू अंजलि भाभी। मैं तो कहती हूँ आप सब कल आइए, मेरा मतलब है अगर आपको ठीक लगे तो इन सबको भी कल बुलाइए ना तारक। हाँ ठीक है आइए आप लोग, लेकिन आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग सिर्फ कविता सुनेंगे सुनाएंगे नहीं, प्लीज। मतलब अभी आपके मित्र कविता सुनाएंगे तो हम देख तो सकते हैं ना, मतलब देखेंगे और सुनेंगे ऐसा। देखो जेठालाल इसको बोलो ये कब से इशारा कर रहा है। अरे मैंने क्या इशारा किया? अरे क्यों अभी ऐसे ऐसे इशारा करके धीरे धीरे मेरे कान में नहीं बोल रहे थे कि कल एक बार महफिल शुरू हो जाए, फिर कौन हमें रोक सकता है, हमको जो मर्जी कविता सुनाएंगे। ठीक है एक काम करते हैं, मैं मिस्टर शर्मा को मना कर देता हूँ, मत आइए कल का प्रोग्राम कैंसिल। अरे कैंसिल क्यों पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया बुड़बक। हाँ क्या यार पोपटलाल। अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है, जेठालाल झूठ बोल रहा है। सॉरी 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 दोस्तों मैं मजाक कर रहा था। नहीं बेचारे ने कुछ नहीं बोला, कोई इशारा नहीं किया। आप बुलाओ बुलाओ भाई, आप शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी को बुलाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पोपटलाल फिर भी तुम ध्यान रखना भाई। ठीक है अगर ऐसा है तो मैं कल आता ही नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। अरे क्या ओके okay? क्यों नहीं आऊं मैं, ये मेरी बहन का घर है। तारक क्या कर रहे हैं आप? पोपट भाई आप जरूर आइएगा ठीक है, ये आप ही का घर है। तारक मैं क्या कहती हूँ कल महिला मंडल को भी बुला लेते हैं ना, पूरा गोकुलधाम एक साथ बैठकर काव्य पाठ का मजा लेगा। अरे वाह। नहीं नहीं अंजलि नहीं, महिला मंडल को मत बुलाना प्लीज। हाँ
क्यों? हम महिला मंडल कविता नहीं सुन सकते? भेदभाव? नहीं नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं अंजलि, क्यों नहीं सुन सकते? तुम लोग भी कविताएं सुन सकती हो, लेकिन मिस्टर शर्मा की कविताएं सुनना आसान काम है। तुम्हें तो पता है ना कि वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताओं में कितना व्यंग्य होता है पत्नियों के लिए। भाई तुमने सुन रखी, लेकिन उसने कोई बहुत जबरदस्त व्यंग कर दिया और बाकी लेडीज को बुरा लग गया तो अच्छा नहीं होगा ना। हाँ तारक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर आइए तारक, मिस्टर शर्मा के साथ मिसेस शर्मा भी आ रही है, वो भी कवियत्री है, तो क्यों ना हम मिसेस शर्मा के साथ अलग घर में महिला मंडल का अलग काव्य पाठ रखें? हाँ ये बात सही है, ये हो सकता है और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ क्या है कि भाई खुल के मौका मिल जाएगा मिसेस शर्मा को भी, वो भी बड़ा व्यंग करती है भाई पतियों पे, तो ये लोग पतियों पे व्यंग वाली कविताएं सुनेंगी और इधर हमारा कार्यक्रम होगा जहाँ शर्मा जी सुनाएंगे पतियों पे व्यंग वाली कविता, ना उन्हें बुरा लगेगा ना हमें बुरा लगेगा। सही बात तो है ना, गुड आइडिया। ऑल राइट, तो फिर तय रहा कि कल यहाँ पे दो कार्यक्रम होंगे, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए, ठीक है? ठीक है, परफेक्ट, सबको बहुत मजा आएगा। अच्छा लेकिन पोपटलाल, तुम लेडीज वाले प्रोग्राम में ही जाना है? क्यों? तो सबने बोला ना कि वो जो शर्मा जी है वो लेडीज पे मतलब पत्नियों पे व्यंग करते हैं, तो क्या कि उनका ये व्यंग सुन के हो सकता है तुम अपना शादी का विचार बदल लो, मतलब जीवन भर कुंवारा रहने का इरादा कर लो। नहीं 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 जेठालाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोच लो भाई। अरे क्या सोच लो, शर्मा जी पत्नियों पर व्यंग करते हैं लेकिन उनका शादीशुदा जीवन तो उन्होंने चालू ही रखा है ना। देखो भाई, हमारा काम है तुम्हें चेतावनी देना, 100 दे दी। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं पत्रकार हूँ, कला और कविता की बहुत अच्छी समझ रखता हूँ, मैं कल पुरुषों के कार्यक्रम में ही आऊंगा। अंजलि भाभी, लेडीज लोगों का कार्यक्रम हमारे घर पे रखना, क्या है बबीता को कविता सुनने का बहुत शौक है। ओके, तो महिला मंडल का काव्य पाठ अय्यर भाई के घर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है फिर, आज की सभा यही बर्खास्त करते हैं और कल महफिल में मिलने की दरख्वास्त करते हैं। चलो चलो, हम सब लोग अपने घर पे जाके अपने वाइफ को ये कविता के प्रोग्राम की बात बता देते हैं, है ना? चलो चलो चलो, अरे बबीता तो हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। अरे अच्छा, ये पता नहीं ना बबीता जी को कविता में क्या खाना है। गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो ओके, थैंक यू मेहता साहब, गुड नाइट, गुड नाइट, हां मिलते हैं कल। हेलो बबीता, क्या हुआ यार, इतनी खुश क्यों लग रहे हो? बबीता बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मेरे लिए कैसा गुड न्यूज? बबीता हमारे घर में कल एक खास प्रोग्राम होने वाला है जिसमें तुमको बहुत मजा आएगा। कैसा खास प्रोग्राम? ऐसे नहीं बताऊंगा, गैस करो। अरे ओके, तुम्हारे एक कोलीग्स आने वाले हैं, तो तुम्हारा बॉस आने वाला है? बबीता मेरा बॉस आने वाला है, उसमें मजेदार बात क्या होगी? अरे उल्टा टेंशन बढ़ जाता है, ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। अय्यर अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, प्लीज बताओ ना कौन सा खास प्रोग्राम है? बबीता कल हमारे घर में खास तुम लेडीज क्लब के लिए कविता का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। That's fantastic, क्या बात है, पर कविता कौन सुनाएगा? बबीता मैदा साहब के फ्रेंड है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, दोनों पोएट है, कल वो हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। मिस्टर शर्मा, मैदा साहब के घर में हम जेंट्स लोगों के लिए कविता का महफिल जमाएंगे, तो मिसेस शर्मा तुम लेडीज क्लब के लिए अपने घर में कविता का प्रोग्राम करेंगी। वाओ दैट्स सुपर न्यूज़, थैंक यू सो मच कि तुमने हमारे घर में प्रोग्राम रखवाया। यस आई एम सो एक्साइटेड, कविता का प्रोग्राम, मजा आ जाएगा। टपके पापा, आपको पता है मैंने आपके ऊपर एक कविता लिखी है। तूने? हाँ। कभी? याद है एक बार मैंने मौन व्रत रखा था? अरे याद है ना भाई, वो मौन व्रत को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो तब मैंने आपके ऊपर कविता लिखी थी, कल सुनाऊंगी सबको, मजा आ जाएगा। 228 पन्ने की है। 228 पन्ने? हाँ, वो क्या है, मैंने मौन व्रत रखा था ना, मैं बोल नहीं सकती थी, तो कविता अपने आप ही निकलती गई और मैं लिखती गई। वो तो अच्छा हुआ मौन व्रत खुल गया, वरना मेरी कविता तो 600-700 पन्ने तक पहुंच जाती।
कल, कल सुनाऊंगी सबको, मजा आ जाएगा। अरे नहीं नहीं दया, तुझे कोई कविता सुनानी नहीं है, तुझे सिर्फ सुननी है। कविता सुनाने के लिए तो इंदौर से स्पेशल लेडीज कवि आ रहे हैं, श्रीमती शर्मा जी। लेडीज कवि आने वाले हैं, तो और मजा आएगा। टप्पू के पापा, आप एक कविता सुनाइए ना। मैं? ले। अच्छा चल सुन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नहीं 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 ये नहीं, वो पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कविता का प्रोग्राम था, तब आपने मेरे ऊपर कविता लिखी थी, वो मैं मतलब ऐसी वाली कोई कविता सुनाइए ना। अच्छा वैसी वाली। हाँ। फर्ज किया है बरसात 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 नहीं होता है दया, इसराद होता है। बरसात का मतलब तो बरसात होता है, पता है ना तुझे? हाँ पता है। तो फिर इसमें बरसात बरसात कैसे बोल सकते हैं? नहीं वो क्या है कि बरसात में पानी बरसता है, तो मुझे लगा कि कविता में शब्द बरसते हैं, तो इसीलिए सब लोग ऐसा बोलते होंगे कि बरसात बरसात। नहीं नहीं इधर ऐसा बरसात बरसात नहीं बोलते हैं दया, इस रात बोलते हैं। ओ अच्छा सॉरी सॉरी। तो फर्ज किया है ये इस रात का मतलब क्या? इस रात का कोई मतलब नहीं है दया, वो एक नाम है। नाम तो किसका नाम है? ये उस इंसान का नाम है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार कविता बनाई और सबको सुनाई। इसलिए क्या जब भी कोई कविता गजल ऐसा बोलते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो उनको याद करते हुए उनके सम्मान में लोग बोलते हैं इसराद इसराद। ओ इसराद भाई। वाह वाह। हाँ कविता बोलिए। हाँ तो फर्ज किया है इसराद जी। अरे जी किधर से आया अभी? अरे आपने अभी बोला ना कि उनको सम्मान देने के लिए कविता से पहले उनका नाम लिया जाता है, तो सम्मान देने के लिए जी तो लगता है ना, इसलिए इसराज जी। नहीं नहीं बराबर। तो फर्ज किया है इसराज जी। ए दया तेरी आंखें है या बचाव का कुआं? तेरी आंखें हैं या बचाव का कुआं? क्योंकि जिस दिन से मेरी आंखों ने तेरी आंखों को पहली बार देखा, उस दिन से मेरा दिल हो गया कलमुआ। टप्पू के पापा, क्या कविता है, क्या कविता है, मजा आ गया। और एक और। दया देख कविता का प्रोग्राम कल है, आज के लिए इतना काफी, अभी सो जाते, बहुत नींद आ रही है दया, चलो। पर एक बात कहनी पड़ेगी, अभी इसराज जी यहाँ होते ना तो वो भी कान पकड़ते और कहते कि आपके जैसी कविता मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं दया, उनकी बात ही अलग है। अरे भाई उनके मुकाबले कोई नहीं आ सकता भाई। ये आपकी नम्रता है। अरे नहीं नहीं जो है वो है, ऐसा नहीं। तारक। हाँ जी। वैसे तो सारी तैयारियां हो गई है, बस एक बार आप चेक कर लीजिए। एक सेकेंड। आ चलिए इधर भी सब सेट है। इसमें कचौड़ी है, इसमें मिठाई है, ये समोसा, ये चिप्स। हाँ नहीं सब ठीक है। पर अंजलि तो एक बात बताओ, ये खाना तुमने बिना मसाले वाला तो नहीं बनाया है ना? क्यों? अरे क्या अंजलि क्यों क्या, खाना अगर बेस्वाद हुआ तो कविता का रस भी जाता रहेगा ना, लोग खाना एंजॉय कर पाएंगे और कविता भी रसहीन हो जाएगी। ओ मेरे प्यारे कवि महोदय, आप चिंता मत कीजिए, आज मेरे बनाए हुए खाने में से आपको उतना ही रस मिलेगा जितना आपको कविता लिखने से मिलता है। फिर ठीक है। अच्छा तारक, जस्ट फॉर माई नॉलेज एक बात बताइए, मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा दोनों कवि है, तो घर में वो लोग तूतू मैमे, बातें, झगड़े, तकरार, वो सारी चीज भी कविताओं में ही करते होंगे ना? कविता का जवाब कविता से। ये सवाल मेरे दिमाग में भी कौंधा था अंजलि, तो
मैं सोच रहा था पूछ लेंगे, चलो आज पूछ लेंगे। हाँ लेकिन अकेले अकेले ना। अकेले में क्यों? तो क्या है कि पति पत्नी अपने बहुत ज्यादा प्यार की बातें या बहुत तकरार की बातें दुनिया के सामने नहीं करते, अकेले में तो कर लेते हैं। और हाँ, पति अपने दोस्तों के सामने और पत्नी अपनी सहेलियों के सामने जरूर राज खोल देती है, लेकिन अगर सबके सामने पूछो तो नहीं बता, इसलिए अकेले अकेले। ये बात भी है। हाँ तो एक काम करेंगे ना, जब शर्मा जी आएंगे तो हम पुरुष लोग शर्मा जी से पूछ लेंगे, तुम अकेले में सब महिलाएं शर्मा इनसे पूछ लेना। खुशबू आ रही है समोसे की, एक खा ही लेता। एक मिनट एक मिनट, अरे क्या समोसा बाद में खा लेना, पहले ये तो चेक कीजिए कि वो लोग कहाँ पहुँचे। ये तो खाते खाते भी पता कर सकता हूँ ना अंजलि। बिल्कुल नहीं, पहले आप उनको फोन कीजिए, देखिए पूछिए कि वो लोग कहाँ पहुँचे। अगर वो लोग नहीं आए ना तो हमारे सारा प्रोग्राम टाइट फिश हो जाएगा। ये शुभ शुभ बोलो अंजलि, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो शुभ शुभ जल्दी जल्दी फोन कीजिए, चलिए। हाँ ये ठीक रहेगा, फोन करके पूछ लेंगे। घंटी जा रही है, अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। हे भगवान तारक, आपने उनको फोन करके रिमाइंड किया था ना कि आज उनको यहाँ आना है। दिलाने की क्या जरूरत है अंजलि, जब कल कह दिया था कि आज सब मिलने वाले हैं तो पक्का ही हो गया था ना प्रोग्राम। क्या तारक, आप भी वो लोग शायद भूल गए होंगे, आपको इस फोन करके याद दिलाना चाहिए ना। अगर वो भूल गए होंगे तो इसमें मेरी भूल है अंजलि। तारक भूल है आपकी, वी आर इनवाइटिंग गेस्ट टू आवर हाउस नो। कोई मेहमान हमारे घर पर आएगा, हमने कह दिया आपको पधारना है, तो हम वापस के बार बार फोन करेंगे कि आप आइए कब आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है अंजलि। मेहता साहब अंदर आ सकते हैं? अरे आइए 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 आइए, क्या बात है। अभी नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। और आप कैसे हैं शर्मा जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं भाभी? मैं बहुत ठीक हूँ, आई एम वेरी फाइन। मजा आ गया। फिर मेहता जी आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लॉटरी लग गई हो। भाई क्यों नहीं, आपके स्वागत में खड़े हम हैं, आप तो आना क्या किसी लॉटरी से कम है। अरे बात आ रहा, गुड वन। वैसे हम आप दोनों की बातें कर रहे थे। हमारी बातें जमाने में होती ही रहती हैं। क्योंकि हमारी बात ही कुछ ऐसी है। वाह, तो जुगलबंदी शुरू, बड़ा मजा आएगा आज। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं भाभी भाभी नहीं, पानी बिल्कुल नहीं। क्यों? ये बात सुन लीजिए मेहता जी, कवि बेचारा कहता है वो पानी तक नहीं मांगता जो इनके साथ में रहता है। ये कैसे मांगेंगे पानी, हम मौका ही नहीं देते हैं। हम ही मांगते हैं पानी और ये ला ला के देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। आप दोनों सही अर्थों में मेड फॉर ईच अदर हैं। मैट तो हो गए हम एक दूसरे के साथ रहते रहते, और दुनिया कहती है हम मेड फॉर ईच अदर हैं। क्या बात है, क्या बात है मिसेस शर्मा, आप लोग बैठे हुए पानी लेकर आती हूँ। अरे भाई आप लोगों के आने से ही माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि लगता है बहुत मजा आने वाला। मेहता साहब हम आए हैं तो मजा तो आएगा ही। हाँ। लेकिन मजा लेने वाले आपके दोस्त कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे गोकुल धाम के सारे दोस्त आ रहे हैं। अरे सब अभी पहुंच जाएंगे, वैसे तो सब टाइम पे आ जाते, बस मेरा एक जो परम मित्र है ना जेठालाल, उसे थोड़ा सा देर से आने की आदत है, और पक्की बात है अभी तक तो तैयारी हो रहा होगा। टप्पू के पापा कितनी देर, चलिए जल्दी तैयार हो जाइए वरना में देर हो जाएगी। तू तैयार है? ओके। तो तू निकल, तू क्यों मेरी राह देख रही है, हमें कहाँ एक ही जगह जाना है, तुझे बबीता जी के घर जाना और मुझे मेहता साहब के घर जाना है। हाँ बराबर है, लेकिन आपको जाने में देर हो जाएगी ना, फिर सब लोग आपको ताना मारेंगे, इसलिए। नहीं नहीं मैं तैयार हूँ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। तो चलिए जल्दी चलिए। हाँ हाँ, वो मेरा परफ्यूम नहीं मिल रहा है, परफ्यूम कहाँ है मेरा? ओ, सामने तो है। अरे कहाँ, इसमें नहीं है भाई। बाजू में आता, बाजू में। ये क्या रहा, सामने फिर भी नहीं दिख रहा है। क्या करूँ दया, तू जब सामने आ जाती है तो तेरे अलावा मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ओहो, क्या बात है, आज एकदम रोमांचिक मूड पे उतर आए। कविता सुनने जा रहे हैं ना तो थोड़ा मूड बना रहा हूँ। रे आ दो। अरे चलो, लेट हो रहा है, चलिए जल्दी चलिए। पहले परफ्यूम तो लगा दे। ओहो, लगा दे। हाँ तो चलो। ओहो। हम्म
हम लोग वो कविता के प्रोग्राम में जा रहे। कौन कविता? नहीं नहीं कोई कविता बहन का प्रोग्राम नहीं है, कविता मतलब वो मेहता सबका एक दोस्त है। अरे पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता। जी बाबू। ये लेडीज और जेंट्स का प्रोग्राम अलग अलग क्यों रखा है? कविता तो एक साथ भी सुन सकते हैं। नहीं नहीं एक साथ सुन सकते हैं, लेकिन ये जो कवि भाई है ना शर्मा जी, मेहता सबके दोस्त, उनकी स्पेशलिटी है वो पत्नियों पे व्यंग वाली कविता ही करते हैं। तो क्या उनकी कविता सुन के कोई लेडीज को बुरा ना लगे, इसलिए प्रोग्राम अलग अलग रखा है बापू जी। अच्छा मतलब वो पत्नियों पे व्यंग करेगा और तुम लोग वाह 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 करोगे? नहीं नहीं तो क्या चीची चीची ऐसा करोगे? नहीं नहीं बापू जी। अरे क्या सब में नहीं नहीं उधर जाके क्या सो जाने वाला है? नहीं नहीं बापू जी। अरे फिर से नहीं 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 मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब तो दो घड़ी एंट्री मेंटेन टेन मतलब दो घड़ी मनोरंजन। ठीक है जाओ, लेकिन चाबी लेके जाना भाई, मैं अपने वक्त पे सो जाऊँ। दया हाँ चाबी मैंने ले ली है। चलते हैं बाबू। शर्मा बाबू कुछ लीजिए लीजिए। हाँ भाभी प्लीज बिस्किट लीजिए। सुनिए मेहता जी, पति पत्नी का रिश्ता भी ना बिल्कुल चाय बिस्किट जैसा होता है। मतलब चाय और बिस्किट, पत्नी चाय तो पति बिस्किट, बड़ा अजीब नाता है। चाय के संपर्क में आते ही बेचारा बिस्कुट नरम पड़ जाता है। शर्मा जी बिल्कुल सही कहा। ऋषि शर्मा आपका क्या कहना है? कुछ भी कहिए, चाय के बिना बिस्कुट अधूरा है और बिस्कुट के बिना चाय अधूरी है। दोनों जब साथ में होते हैं तभी बात बनती है। बात बिल्कुल सही कही आपने, ये हुई ना बात। ये देखो इसे कहते हैं देले पे देला शर्मा बाबू, मिसेस शर्मा तो शेर पे सवा शेर है। अरे मेहता साहब ये शेर नहीं, ये तो बब्बर शेर है। इन्हीं की वजह से तो मेरी कविताएं मेरी गजलें मेरे शेर हैं। और जैसे ही मिसेस शर्मा सामने आती है शर्मा बाबू हो जाते ढेर हैं। अरे भाई ये शेर चीते की बात छोड़िए, मेहता जी कहिए इसके बारे में क्या कही जाए, दुल्हा दुल्हन आ गए पर आती नहीं है। मिस्टर शर्मा यूं देखा जाए तो जेंट्स को तो हमेशा लेट आने की आदत ही होती है, पर मिसेस शर्मा हमारे गोकुल धाम का महिला मंडल रेडी है और आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आपकी गोकुल धाम की लेडीज से मिलने के लिए बेताब हूँ। अरे मेहता साहब चालू कर दिया, ये हमारे दूल्हा है भाई, ये है शर्मा बाबू और मिसेस शर्मा। नमस्ते नमस्ते। शर्मा दंपत्ति दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली है, हम बस उनको सुनने आए हैं। और इनसे मिलो, ये मेरे परम मित्र और पड़ोसी जेठालाल गढ़ा। नमस्ते। मेहता साहब है की गल हुई, अच्छा तो अरे दोस्त नहीं है? नहीं ठीक है भाई। एक एक करके सबसे परिचय करा रहा हूँ भाई, वहां से शुरू करते हैं। चलो ये है हमारे सोडी जी। ये क्या बात हुआ, इंट्रोडक्शन में मारा को जोड़ दिया, थोड़ी से स्टार्ट कर रहे। अरे सॉरी भाई अय्यर, भाई सोडी से बात की तो वहां से शुरू हो गया। चलो ये है कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, वैज्ञानिक है और हमारे पड़ोसी है स्विमिंग में। ये डील डॉल से जो बड़े मजबूत है, ये हमारे डॉक्टर हाथी है, मस्त आदमी है और बहुत ही हसमुख स्वभाव के। और ये हमारे पत्रकार पोपटला। मेहता सर सिर्फ पत्रकार पोपटला, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटला। नमस्ते नमस्ते पोपटलाल जी, समझिए ये कुदरत का करिश्मा है और ऊपर वाले की दुआ भी कि आप वरिष्ठ भी हैं और युवा भी। शर्मा जी और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे सोसाइटी की ओर से आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी करम अदा करते हैं हम। जेठा भाई को हमारा जय जिनेंद्र, सोडी भाई को सस्री अकाल, पोपट भाई को नमस्ते और अय्यर जी को वडक्कम।
हाथी भाई को हाय और हमारे भिड़े भाव को कसा काय। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ओ ओ ओ, हाथी भाई को हाय और तुमला कसा काय। देखो देखो क्या बात है, बात तो लगता है मजा आने वाला है। अरे पूछो बात, मजा आएगा। शर्मा भाई बाबू जी तो बातें भी शायरी में कर रहे हैं। हाँ। अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। एक मिनट तारक, एक मिनट। आपकी पिक्चर शुरू हो उसके पहले हमें जाना है, क्योंकि हमारा महिला मंडल मिसेस शर्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ। अरे हाँ, गोकुल धाम की सभी लेडीज तो मेरे घर पे आप दोनों का इंतजार कर रही है। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। और अगर हम ना कहें तो? एक दिन घर के हम बाहर रहेंगे, तब तुरंत ही आप हमें फोन करेंगे, कहेंगे जिया बेकरार है, छाई बाहर है, घर आ जाइए श्रीमती जी, घर का बुरा हाल है। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, हम जाते हैं। चलो यारो अपना प्रोग्राम शुरू करें। तू लेके आया? नहीं, वो अपनी कोई बात ही नहीं हुई थी इसलिए लेके नहीं आया, लेके आऊं? नहीं नहीं सॉरी, आसिफ भाई की प्रोग्राम, शर्मा जी और उनकी कविता। हां बैठ, इधर बस तो भाई आप ये महफिल की शमा रोशन की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब कि इतना बढ़िया नाश्ता सामने पड़ा है तो खा लेते हैं, खाली पेट कविता का मजा नहीं आएगा। डॉक्टर हाथी आपने फरमाया है बजा, खाली पेट तो कविता भी लगती है सजा। सही बात है। और खाली पेट की गई बातों में भी वजन नहीं होता, और भूखे पेट तो भोजन क्या वजन नहीं होता। ये सब नाश्ता अंजलि भाभी ने बनाया है? तो आते भाई खाना नहीं? ये मतलब सब डाइट फूड होगा ना तो? अरे हाथी भाई आराम से खाइए, आज डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर अ चेंज अंजलि ने आज बढ़िया मसालेदार सब कुछ बनाया है। आप सब लोग आ रहे थे ना इसलिए। फिर तो खाइए खाइए हाथी भाई खाइए। फिर तो जरूर खाऊंगा। हमारी वजह से मेहता साहब के भी मजे है आज। वरना हमारी श्रीमती जी के राज में हमें सब कहां नसीब होता है भाई। ये गलत बात है मेहता साहब, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार। ओहो देखो तो चापलो। क्या 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 चापलो क्या? अरे भाई क्या है आज अंजलि भाभी की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तो भाई बहन की तरफदारी भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखो अच्छा मेहता साहब, अंजलि भाभी आपके डायट का इतना ख्याल रखती है और फिर भी आपको उनकी कोई कद्र ही नहीं। पोपटलाल जी, पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अच्छा, पत्नी की कद्र ना करो तो मुसीबत और ज्यादा करो तो भी मुसीबत। बराबर बराबर। अरे पर शर्मा बाबू किसे समझा रहे हैं? उसे क्या पता पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, अगले की तो शादी नहीं हो रही है। ओ पोपटलाल जी तभी इतना खुश दिख रहे। नहीं नहीं शर्मा जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, शादी नहीं हुई इसलिए बहुत परेशान हूँ। पोपटलाल जी, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। जो नहीं खाता उसका हाजमा खराब हो जाता है और जो खाता है उसे डाइटिंग करनी पड़ती है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि शादी का लड्डू ना खाने वाले की सेहत बनती है और खाने वाले की बिगड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए हम कहेंगे उस चीज की कामना ना करें जो नहीं आपने चखी है। हम तो कहते हमसे ज्यादा आप लकी हैं। बिल्कुल। माना कि मेरी मंजिल अभी दूर है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों की तरह अनलकी होना मंजूर है। अरे क्या बात है। आप पत्रकार पेटले। हाँ शर्मा जी, आपकी संगत में तो हमारे पत्रकार पोपटलाल जी भी शायर हो गए। अरे बनेंगे ही ना,
ये बात हमने हर जगह हर वक्त कही है, हर इंसान के भीतर एक कवि है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपने विचारों की गठरी खोल दे, अरे हर वो व्यक्ति कवि है जो मन की बात बोल दे। वाह वाह वाह, क्या बात। पोपटलाल जी, नदियाँ एक दिन मिल के रहती है सागर में, बहुत जल्द आपकी जीवन संगनी आएगी आपके घर में। थैंक यू थैंक यू, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। हां, और तुम्हें बहा के ले जाएगी समंदर में। अच्छा लाल, मुझे तैरना आता है। अरे भाई, घर के बाथरूम की बाल्टी में तैरना और समंदर में तैरने में बहुत बड़ा फर्क है भाई। गहरा समंदर भी उसका सकता नहीं है कुछ बिगाड़, जिसका हौसला हो बुलंदे पहाड़। याला कोणी तरी सोडून या रे पनवेल किंवा महाड। क्या क्या बिरे तुम, क्या जबरदस्ती है, पर नहीं आ रहा फिर भी बिगाड़ने बुलंदे पहाड़ वगैरह। क्या होता है ना, कविता में मीटर महत्व का होता है, शब्द इधर उधर चलता है भाई। लेकिन अपने पास है ना इतने बड़े कवि, एक बात याद रखो, वो है कवि, तुम हो वीक। आणि तुम्हाला हवी है एक वीग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हाला हवी है वीग। काय बोलते है। अच्छा वैसे आप लोगों के आने से पहले मैं और अंजलि बात कर रहे थे आपस में कि भाई, ये नोकझोंक से याद आया मुझे कि भाभी जी भी कवित्री है, आप तो कवि नहीं। खैर, तो आप लोग आपस में लड़ते होंगे घर में, तो वो भी सब कविता में ही होता होगा। भाई मेहता साहब, आप ही की तरह हमारी भी उनसे ठन जाती है। घर पहुंचते ही श्रीमती जी कवित्री से पत्नी बन जाती हैं। वाह वाह वाह। भाई हमारे दिमाग में सवाल था तो पूछ लिया, मैंने और अंजलि ने तय किया हम लोग पुरुष लोग आपसे सवाल करेंगे और सारी महिलाएं मिसेस शर्मा से सवाल करेंगे घर में कैसे होता है भाई ये सब कुछ। अब उन्होंने क्या जवाब दिया ये जानने में ज्यादा मजा आएगा। भाई हमें क्या पता क्या पक रहा है उनके दिल में, ये जवाब तो मिलेगा आपको उन्हीं की महफिल में। अच्छा मिसेस शर्मा, हमने सुना है कि आप पतियों पे बहुत अच्छा व्यंग करती है, कुछ सुनाइए ना। मिसेस शर्मा हो जाए तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद, गौर फरमाइएगा, बार बार चाय मांगते हैं और खर्राटे लेके सोते हैं। हाँ? कलेक्टर हो या कवि, पति तो आखिर पति ही होते हैं। जूते पहनकर घर में मत घूमो, में कौन सा अलंकार लगाएंगे, गीला तौलिया बिस्तर पे मत रखो, कौन से छंद में कहेंगे। हमने तो बस यही समझा और सबको यही बताया, गृहस्थ जीवन है ऐसी कविता जिसे कोई भी कवि नहीं समझ पाया। ओह क्या बात है, जो गोड़ा अब तो एकदम छा ही गया। अच्छा मिसेस शर्मा, आप कवित्री हैं और आपके हस्बैंड कवि, तो आप दोनों कविता करते हैं इसलिए आप लोग की शादी हुई होगी? नहीं नहीं, फिर शादी होने के बाद उनको टक्कर देने के लिए मैं भी कवित्री बन गई। क्या बात है। वो अगर एक कहे तो हमें दो कहना पड़ता है। सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब उसी जबान में देना पड़ता है। खुश होने की यही है चाबी, बात किसी ने सची कही। श्रीमती जी को भ्रम में रखो कि झगड़े में जीत तुनी की हुई। बात भ्रम में रखिए। अर्ज किया है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। वाह। और जिसके एक मिस कॉल से पति घर आ जाए उसे बीवी की धाक कहते हैं। शर्मा जी और एक हो जाए। हो जाए हो जाए। हमने श्रीमती जी से कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं पर डूबी जहां पानी बहुत कम था। पानी कम था, ये तो सुनी हुई थी। हाँ मतलब ये पुराना शेर है। अरे आगे सुनिए आगे सुनिए, शेर खत्म नहीं हुआ, इस पे श्रीमती जी ने मुझे झाड़ दिया, कहा आप ही की गलती है, आपके आइडिया में कहां दम था, वहां कश्ती लेकर गए क्यों जहां पानी बहुत कम। ये सॉरी डियर, नहले पे नहला है। हुशियार है भाभी जी भी। वाह वाह शर्मा भाभी जी, वाह बहुत सज्जू। परफेक्ट।
करूंगा बेन, आप और आपके पति, मतलब आप पति पत्नी कवि है तो आपके पति देव तो आपके मन की बात बहुत जल्दी समझ जाते होंगे ना। कल ही फोन पर मैंने माँ से पूछा, माँ जो पत्नी के मन की बात को समझ ले ऐसे पति को क्या कहते हैं? माँ ने कहा, बिटिया उसे मन का वहम कहते हैं। पर एक बात कहूँ, मैं तो रोज मेरी माँ के साथ फोन पे बात करती हूँ और आप मानोगे नहीं, वो टप्पू के पापा मेरे पति देव का रोज नया नया नाम रखते हैं। तो आपके पति देव आपके कुछ नाम रखते हैं कि नहीं? शर्माइए मत, बताइए ना। बोलिए बोलिए दया भाभी। शर्मा रही है मतलब रखते होंगे। अरे बताइए ना दया भाभी। ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन आप सबको भी बताना पड़ेगा आज तो। हाँ ठीक है, नहीं पड़ेगा। टप्पू के पापा को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है ना, तो कभी कभी मुझे कबूतरी मारो रोशन तो मने डायरेक्ट दिवस जूटा जूटा नाम थी बुलावे छे। और सोनिए और रोशनी जाने मन डार्लिंग। हाँ हमने देखा है। वैसे आईया भी मुझे प्यार से स्वीटहार्ट कहता है। स्वीटहार्ट। वैसे ये भी मुझे कभी कभी प्यारी कहते हैं। प्यारी अभी आप भी बुलाएंगे आप प्यारी कभी। हंस मुझे जाने मन कहते हैं। ओ, 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 ओ। आप सब तो जानते हैं तारक कवि है, उनके पास नामों की कमी नहीं होती, रोज एक नए नाम से बुलाते हैं मुझे। हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, प्रियंवदे। पति होते ही ऐसे, पहले तो आपको डार्लिंग, प्राणेश्वरी, कोयल, स्वीट हार्ट, जाने मन कहते हैं, लेकिन हर छोटे से छोटी बात पे आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे टप्पू के पापा है ना, वो मेरी बिल्कुल परीक्षा नहीं लेते। हाँ, even Ayur is not like that. नहीं, मारो रोशन पर कोई पन दिवस मेरी टेस्ट ले ही नहीं सकता। तारक भी कभी मेरी परीक्षा नहीं लेते। और मेरे ये तो शिक्षक है, ये तो विद्यार्थियों की परीक्षा लेते रहते, मेरी कभी नहीं लेते। पर इन शॉर्ट, गोकुल धाम में किसी के भी पति ऐसे नहीं है, कोई भी अपनी पत्नी की परीक्षा नहीं लेता। हाँ, कभी नहीं, नहीं, कभी। आप सब लोग बहुत भोले हैं, लेकिन आज नहीं तो कल आप लोगों को ये पता चल ही जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं। कमाल है, यहाँ पर आप अपने पतियों की तरफदारी कर रही हैं, वहाँ पतियों पे व्यंग हो रहा होगा। अपने गड्डी चालू रखो। हाँ शर्मा बाबू, आप तो बस बोलते रहिए आज। भाई मेहता साहब बोलने से याद आया कि पति दिन में औसतन 20,000 शब्द बोलता है और पत्नी बोलती है दिन में 40,000 शब्द। लेकिन परेशानी इस बात की है कि पति के काम से घर लौटने तक उसके 20,000 शब्द खत्म हो चुके होते हैं, तब पत्नी के 40,000 शब्द शुरू होते हैं। शुरू होते हैं। ये बोरे, ये बोरे, बोरे। बिल्कुल सही बात है शर्मा जी, आप बहुत हंसाते हैं। अरे भाई इतना मत हंसाइए, मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही। सोनी जरा काजू कतरी की प्लेट बढ़ाना। काजू कतरी पड़ो। थैंक यू सोडी। अरे पूरे प्लेट कहाँ दे रहा है सोडी? खाने दो, भूख खत्म नहीं हो रही है। अरे भूख ना मिटे तो ना सही, आप तो खाते रहिए आसिफ भाई, क्योंकि ये बातें अंतहीन है। ये विषय कुछ ऐसे है, रातें खत्म हो जाती है, बातें खत्म नहीं होती। सही बात, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मेहता साहब। वैसे आज की भी रात की मुलाकात खत्म होने को आ रही है।
जाने का वक्त हो रहा है, श्रीमती जी भी आती होंगी। अरे उनके आने से पहले कोई तड़कती भड़कती चीज सुना दीजिए शर्मा जी। हाँ सुना दीजिए। उनके आने के बाद पता नहीं आपको बोलने का मौका मिले ना मिले। 40,000 सप्ती दर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आत्माराम जी। वैसे आप भाई शेरनी के आगे तो शेर तक नहीं बोल पाता, हम तो फिर भी इंसान। चलिए आप इतना कह रहे हैं तो जाते जाते आपको एक सनातन नियम पत्नियों के बारे में सुनाकर जाना चाहता हूँ। अच्छा। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात, जैसे लकड़ी को पानी में कितना भी डुबाओ तैर के सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह श्रीमती जी को सीक्रेटली बताई हुई बात उनके जबां पर आ ही जाती है। पत्नियां होती हैं इतनी भोली, मुंह से छुपी हुई बात दनादन निकल जाती है जैसे हो गोली, बिना सोचे समझे जुबां का संयम खोती हैं, इसीलिए शायद कहते हैं उनकी अक्ल घुटनों में होती है, घुटनों में होती है। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, सॉरी, लेकिन क्या ये जो आपकी बात है ना वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता है, नहीं मतलब सब? हाँ बिल्कुल, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं ऐसा होता नहीं है शर्मा जी। मतलब अभी आप बोले ना कि पत्नी के पेट में बात अक्सर टिकती नहीं है, वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता। अरे दुनिया की हर पत्नी ऐसी होती है जेठालाल जी। नहीं नहीं शर्मा जी, हंसी मजाक में ऐसा कह सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर आती, हम कहाँ बुरा बोल रहे हैं भाई, पत्नियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, ये हकीकत है, उनके पेट में बात नहीं टिकती है, हम क्या करें। नहीं नहीं शर्मा जी, अगर मैं मेरी बीवी दया की बात करूं तो वो बेचारी है बहुत भोली, लेकिन अगर मैं उसको एक बार कह दूं कि दया ये जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं वो किसी को भी तुझे बतानी नहीं है, तो वो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, नहीं बताएगी तो नहीं बताएगी। हाँ भाई, मेरी रोशन डार्लिंग का भी ऐसा ही है। वैसे तो बबीता को भी सभी लेडीजों की तरह गॉसिप करने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने कोई बात उसको बताने से मना किया हो तो वो कभी किसी को नहीं बताएगा। अय्यर जी, आप नहीं आपका प्यार बोल रहा है या फिर आपकी अपनी पत्नी का डर बोल रहा है? नहीं 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 शर्मा जी, ये बात डर की नहीं है, अगर माधवी के मतलब मेरी पत्नी माधवी के पेट में अगर कोई बात हो तो उससे वो बात बोलवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। कोमल का भी ऐसा ही है। हाँ अंजलि भी बहुत समझदार है। देखिए शर्मा बाबू, गोकुल धाम में आप जिस तरह की महिलाएं बता रहे हैं वैसी महिलाएं नहीं रहती, कुल मिला के हमारे यहाँ की जो लेडीज हैं उनमें ये अवगुण नहीं है। मेहता साहब, पत्नियां गोवा की हो, गया की हो या गोकुल धाम की, गुजरात की हो, पंजाब की, बंगाल की, आसाम की, भाई आदिकाल से यही नियम है, इसमें कोई नहीं अपवाद, पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। अरे नहीं नहीं शर्मा बाबू, हम सबकी पत्नियां सचमुच में ऐसी नहीं है। भाई हम कैसे मान ले आपकी बात, कोई प्रमाण है आपके पास? इसका कोई प्रमाण कैसे दे सकता है? हाँ कैसे दे सकता है भाई, आपकी बात सच है तो सिद्ध करके दिखाइए, इतना ही भरोसा है पत्नी पर तो चलिए शर्त लगाइए। हाँ ठीक है, लगी सर। चलिए लग गई। अगर आप जीत गए तो हम सब आपको 10,000 रुपया देंगे, बस। पक्का? हाँ चलेगा चलेगा। अरे क्या चलेगा चलेगा, तुम देने वाले हो 10,000? नहीं मैं क्यों दूं भाई, मेरी थोड़ी शादी हुई है। तो फिर क्यों बोल रहे हो चलेगा चलेगा? मैं तो आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं गरज नहीं है। हाँ नहीं नहीं जेठालाल, 10,000 नहीं 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 शर्त नहीं लगाते। तो ठीक है 1,000-1,000 रुपए की शर्त लगा लेते, अगर मैं जीता तो आप लोग 1,000 रुपए देंगे, अगर आप जीते तो मैं आप लोग को 1,000-1,000 रुपए दूंगा, यानी कि 7,000 रुपए। हाँ ये बराबर है भाई, भिड़े ये तो चलेगा ना, ये रीजनेबल है। हाँ चलेगा, लेकिन आप 7,000 नहीं 6,000 ही देना। क्यों 6 क्यों? तुम्हारी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी नहीं हुई भाई, मुझे मत गिनना। ठीक है लग गई सर। तो भाई ठीक है, आप अपनी अपनी पत्नी को एक एक बात बताना, अगर वो बात कल तक उन्होंने किसी से नहीं कही तो भाई शर्त आप जीत गए, वरना मैं जीता। बोलिए मंजूर है? हाँ मंजूर है मंजूर। लेकिन दोस्तों क्या पत्नी की ऐसे परीक्षा लेना ठीक है? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। क्या हुआ, शर्त नहीं लगानी है? नहीं
शर्त लगानी है लेकिन देखो बेटे समझने की कोशिश करो, हम लोग ये शर्त अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के लिए तो नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो शर्मा बाबू की बात गलत साबित करने के लिए शर्त लगा रहे हैं। आ, बेटी करेक्ट क्या मैं मामा तो लगा दे शर्त और लग गई आपके साथ शर्त लग गई लग गई शर्त। हाँ हम लोग आज ही अपनी अपनी पत्नी को कोई भी एक ऐसी मन गलत बात कहेंगे और दया करी थी कि कल दोपहर को क्लब हाउस में वो महिला मंडल की कुछ मीटिंग है। वेरी गुड, अगर सब लेडीजों ने अपने अपने हस्बैंड की बताया हुआ बात सबको बता दिया तो आप जीत गए और नहीं बताई तो हम जीत गए। हाँ। लेकिन हाँ बात इतनी मसालेदार होनी चाहिए कि पत्नी को किसी को बताए बगैर रहा नहीं, वरना शर्त लगाने का कोई मतलब नहीं। हाँ कर लेना, हमें पता कैसे चलेगा उन लोगों ने एक दूसरे को बात बताई है कि नहीं। ये बात सही पता कैसे चलेगा आतिफ भाई? नहीं नहीं चलेगा, पता चलेगा कैसे? अरे कल वो उनकी मीटिंग है ना क्लब हाउस में, तो क्लब हाउस में मैं सीसीटीवी कैमरा उधर लगा दूंगा ना, और फिर हम लोग सब वो यहाँ मेहता सबके घर पे वो क्रिकेट का लीव प्रसारण देखते, वैसे उनकी मीटिंग का लीव प्रसारण देखेंगे। सही बात है, उसमें पता चल जाएगा वो लोग क्या बातें कर रहे। गुड 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 आइडिया जेठला, इससे पता चल जाएगा कि आपस में एक दूसरे से उन्होंने ये बात बताई है कि नहीं बताई है। वेरी गुड, देखते हैं यहाँ बैठ कर। यहाँ बैठ के? नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो जेठला, यहाँ बैठ के नहीं देख सकते भाई। अंजलि मान लो किसी काम से घर में आ गई तो तुम लोगों का तो पता नहीं, मुझे तो घर से बाहर निकाल देगी। ना 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 तो ठीक है, ये शर्मा भाई के घर पे बैठते हैं। हाँ चलो चलो। अरे क्या चलो, इंदौर में रहते हैं ये। अरे हाँ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं वो तो भाई बहुत दूर हो जाएगा। तो थैंक यू पोपटलाल, पोपटलाल के घर पे बैठते हैं। फर्स्ट क्लास। मेरे घर पे बैठते हैं, उसमें क्या है, सब लोग अपना अपना दूध चाय पत्ती शक्कर नाश्ता सब लेके आना। नहीं सुधरेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, आइए आइए शौक से आइए। चलिए फिर तय हो गया, हम लोग कल दोपहर वापस जमा होंगे। सही बात है, और सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखेंगे कि शर्त आप लोग जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। हाँ, मेहता साहब मिसेस का फोन आ गया। अरे बात कीजिए बात कीजिए। हाँ बोलिए। आपके पास तो वक्त कम और बातें ज्यादा है, घर चलना है या वही रहने का इरादा है? भाई यारों की महफिल से उठने का जी नहीं करता, पर जाना तो पड़ेगा। रुक जाएंगे तो फिर मेहता साहब दोबारा चाय पे नहीं बुलाएंगे। अरे ऐसा नहीं। तो बताइए कब निकलना है? अरे आप फरमाइए, हुक्म तो आपका चलता। हम यहाँ सबको बाय बाय करके आपके पास आते, तो हम भी कंपाउंड में ही आ रहे हैं। ठीक है ठीक, चलिए मित्रों बाहर कंपाउंड तक तो चले, तब तक शर्मा इंद्री आ जाएंगे। चलो भाई। ठीक है अब हम चलते हैं, आप सबसे मिलके बहुत मजा आया। हाँ मिसेस शर्मा, आप नेक्स्ट टाइम कब आओगे? नहीं हम तो कवि हैं और कवि तो प्रेम के भूखे होते हैं। आप सबसे हमें इतना प्रेम मिला है, हम जल्द ही आपसे मिलने वापस आएंगे पक्का, और पतियों की थोड़ी सी और तारीफ करेंगे। लेकिन वो तो आपकी परीक्षा लेंगे, मेरी ये बात जरूर याद रखना। अरे शर्मा बहन, मजाक मजाक में वो परीक्षा ले वो सब ठीक है, लेकिन वो गंभीर तरीके से परीक्षा ले वैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ वो तो वक्त ही बताएगा दया बहन। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए हम लोग भी आपको छोड़ने आते हैं। चलिए फिर ये तय रहा, हम लोग कल दोपहर वापस जमा होंगे और सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखेंगे कि शर्त हम जीतते हैं या फिर आप। पता चल जाएगा, जो भी कुछ होगा सामने आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या क्या पारसी पारसी क्या? नहीं फारसी नहीं, फारसी भाषा मुहावरा, हाथ कंगन को आरसी क्या। आने बराबर, लेकिन उसका ये हमारी बात से क्या लेना देने? नहीं हमारी बात के साथ ये मतलब है जेठालाल कि जब सब कुछ स्पष्ट है तो प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? नहीं मतलब समझा नहीं जेठालाल, जाओ दे। नहीं नहीं मैं समझाता हूँ बेटा। हाँ तो कहावत का लेना देना ये है जेठालाल, भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, भाई जो चीज स्पष्ट है वो तो स्पष्ट नजर आ रही है ना, हमें नजर आ रही है, इनको नजर नहीं आ रही, इसलिए इनको दिखाने के लिए हम सब ये कर रहे हैं। नहीं समझे? नहीं समझ गया। नहीं नहीं जैसा तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि तुम समझे नहीं। नहीं नहीं समझ गया मैं। नहीं मैं समझाता ना, देखो क्या है। अरे अभी छोड़ो ना यार, आप बराबर नहीं समझा रहे, क्या करूं नहीं समझ में आ रहा है।
अरे वो बातों में पता ही नहीं चला, रुक गए हम लोग। वैसे थैंक यू सो मच मेहता साहब, आज तो मिस्टर शर्मा ने रंग जमा दिया। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, यहाँ शर्मा जी ने भी बहुत रंग जमा दिया है, बहुत मजा आया हमारे प्रोग्राम में आज इधर। लीजिए मिस्टर शर्मा, आपकी अमानत। अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ? खुशी खुशी ले जाइए। चलिए दोस्तों, फिर बिछड़ने का वक्त आ गया। तो भाई कल दोपहर का प्रोग्राम पक्का है ना? कौन सा प्रोग्राम? टप्पू के पापा क्या? एक सेकेंड तारक, कल का क्या प्रोग्राम? वो मैं वो क्या है कि आज ये कविता के प्रोग्राम में इतना मजा आया, तो हम सब जेंट्स लोगों ने मिलकर नक्की किया कि कल रविवार है, सब फ्री है, तो क्यों ना कल दोपहर को एक छोटा सा कविता का एक और प्रोग्राम रखे। एक नशिश। क्या बात है रे बाप। तो मिस्टर शर्मा, आप भी कल आ जाइए ना हमारी मीटिंग में। मीटिंग के बाद हम लोग और एक कविता का प्रोग्राम रख लेंगे। मिस्टर शर्मा आप कल आ रही हैं? हाँ। जी मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। चलिए बाय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई जैसी भी हो हालत, ढीली हो या टाइट, अपनी अपनी लाइफ में करते रहिए फाइट। हमारी तरफ से आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। तो टप्पू के पापा अभी हम घर चले? तू निकल, मैं आता हूँ जरा थोड़ी देर में, बैठा हूँ थोड़ी देर। हाँ माधवी, मैं पण थोड़ा वे नहीं है तो। हाँ तू भी चल, मैं बता रहा। मैं जरा शर्मा जी को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। मेहता जी क्यों तकलीफ कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत ही, हम चले जाएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ। तारक के काम कीजिए, आप यहाँ रहिए, मैं मिस्टर शर्मा और मिस्टर शर्मा को छोड़ के आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, बहुत मजा आया। ओके शर्मा जी, शर्मा।